हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में। ओके, अगर आपने आपको नहीं पता है तो हमने एनवायरमेंटल अवेयरनेस के 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तीसरा है वेस्ट मैनेजमेंट, अगर आपने वो नहीं देखे हैं देन यू कैन गो टू माई यूट्यूब चैनल एंड वॉच दैट आउट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर थर्ड वन, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज वेस्ट। वेस्ट इज एनी लेफ्ट ओवर मटेरियल, कोई भी मटेरियल जो लेफ्ट ओवर है, जो यानी जो बच गया है आफ्टर बीइंग लेफ्ट आफ्टर यूजिंग एनी प्रोडक्ट। यानी आपने एक चिप्स का पैकेट खाया, उसमें से चिप्स आपने खा ली, नाउ पैकेट और द रेफर इज वेस्ट। ओके, उसको हम क्या कहेंगे, वेस्ट कहेंगे। उस रैपर को हम क्या कहेंगे, वेस्ट कहेंगे। और या फिर एनी दैट मटेरियल हुज पर्पज हैज़ बीन सर्व, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसका काम खत्म हो गया है, जिसका पर्पज सर्व हो गया है। फॉर एग्जांपल, एक कोका कोला का कैन है, आपने कैन का पर्पज था कोका कोला को स्टोर करना। ओके, वो आपने पी ली है, नाउ कैन इज अ वेस्ट, यानी उसका जो पर्पज था वो सर्व हो गया है, नाउ इट हैज़ बिकम एन वेस्ट, उसका फर्दर अब कोई भी यूज नहीं है। ओके, और विच हैज फेल्ड टू सर्व इट इट्स पर्पस, या फिर कोई ऐसी चीज जो अपना पर्पस या जो उसका काम था उसको करने में फेल हो गई। फॉर एग्जाम्पल, देर इज एन आउटडेटेड कोका कोला कैन, तो दैट इज ऑल्सो वेस्ट, वो कैन भी वेस्ट है एंड द मटेरियल इन साइड दैट कैन इज ऑल्सो वेस्ट, दैट कोका कोला इज ऑल्सो द वेस्ट। ओके, तो कोई भी लेफ्ट ओवर मटेरियल या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसने अपना पर्पज सर्व कर दिया है, उसका फर्दर अभी कोई यूज नहीं है, इज सेड टू बी वेस्ट। वेस्ट या फिर ऐसी कोई भी चीज जो अपना पर्पज सर्व करने में फेल हो गई है, दैट इज सेड टू बी वेस्ट। अब वेस्ट मैनेजमेंट किसको कहते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट रेफर्स टू द कलेक्शन, जितना भी वेस्ट उसको कलेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, प्रोसेस करना यानी उसको अलग अलग तरीके से बांटना और डिस्पोज कर देना। ओके, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज सेड टू बी वेस्ट मैनेजमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। इस पूरी पीडीएफ में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हो रहे हैं, बट आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्रक्स, आपको टॉपिक का क्रक्स समझना है, आपको टॉपिक का एक ओवरव्यू लेना है। हमारे एनसीसी एग्जाम में साइंसेज की तरह पेपर नहीं आएगा कि हमें उधर केमिकल के नाम लिखने या बहुत डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखना है, एब्सोल्युटली नो। आपको बस चीज़ मैंने ज़्यादा इसलिए लिखा है इसके अंदर ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ओके, आपको समझना है फिर अपनी भाषा में लिखना है। अगर आपको नोट्स बनाने देन यू कैन पॉज द वीडियो, डोंट कॉपी, पूरा का पूरा कॉपी नहीं करना है। ओके, इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स जो जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं आपको, वो आप कॉपी कर सकते हो, जो आपको समझ में नहीं आए, जो आप अपनी मादरी जबान में या वहाँ पे जिस भी भाषा में लिखना चाहते हो, आप इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, उस तरीके से अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज आप सिर्फ समझिए चीज़ों को। ओके, दीज आर वेरी इजी, बहुत आसान है। और ये पूरा का पूरा पीडीएफ बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी करना, ना तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा और ना ही ऐसा पॉसिबल है। चलो अभी देखते हैं सोर्सेज ऑफ वेस्ट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, राइट द 5 सोर्सेज ऑफ वेस्ट, जहाँ से वेस्ट निकलता है, राइट द 10 सोर्सेज और 7 सोर्सेज, या किसी एक क्वेश्चन में ऐड कर दे कि डिफाइन द वेस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट एंड राइट द 5 सोर्सेज ऑफ वेस्ट। ओके, तो इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने में वेस्ट निकलता है। प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट बनाने में वेस्ट निकलता है। कंजप्शन, फाइनल प्रोडक्ट को कंज्यूम करने में वेस्ट निकलता है। म्युनिसिपैलिटी का वेस्ट होता है जो हमारे घरों से निकलता है, स्कूल कॉलेज से निकलता है, कमर्शियल फैक्ट्रीज कारखानों से निकलता है। एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, सोशल वेस्ट होता है, हेल्थ केयर सेंटर से निकलता है। ओके, हमारे घरों से हजार्डस वेस्ट होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं। ओके, जैसे नेल पॉलिश का लेफ्ट ओवर हो गया, या फिर अलग से कोई ऑयल किसी तरीके का है, या फिर घर से कोई केमिकल का हो गया, सीवेज स्लज। ओके, तो ये सभी कुछ एक वेस्ट के सोर्सेज हैं। ओके, ये वेस्ट के एग्जाम्पल थे और ये कुछ एक वेस्ट के, ये एग्जाम्पल थे और ये वेस्ट के सोर्सेज हैं। इनको हम आगे डिस्क्रिप्टिव मैनर में भी पढ़ेंगे, डोंट वरी।
अब वेस्ट सेग्रीगेशन किसको कहते हैं? वेस्ट सेग्रीगेशन मीन्स डिवाइडिंग द वेस्ट इंटू ड्राई एंड वेट। ये एक एग्जाम्पल है ड्राई, और आप लिक्विड और सॉलिड में भी कर सकते हो, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यू कैन डिस्ट्रीब्यूट सेग्रीगेट द वेस्ट, उसको बोलते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिंग द वेस्ट एज पर इट्स करेक्टरिस्टिक्स। उसकी करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से वेस्ट को सेग्रीगेट करना इज सेड टू बी वेस्ट सेग्रीगेशन। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेस्ट। सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट कोई भी ठोस वेस्ट जो हमारे घरों से या कहीं से भी निकलता है, जो सॉलिड फॉर्म में है, ओल्ड पुरानी गाड़ी के टायर हो गए, ओल्ड न्यूज़पेपर हो गया, टूटा हुआ फर्नीचर हो गया, प्लास्टिक बोटल्स हो गए, ऑल दिस इज सेड टू बी सॉलिड वेस्ट। ये ब्रॉडर कैटेगरीज हैं सॉलिड और लिक्विड। आगे जितने भी वेस्ट हम पढ़ेंगे वो इनके सब पार्ट्स हैं। ओके, सॉलिड के अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लिक्विड के, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर वेस्ट है जो, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ओके, लिक्विड कैसे हो जाएगा? केमिकल्स की फॉर्म में। सॉलिड कैसे हो जाएगा? जिन डब्बों में वो केमिकल आया है वो सारा वेस्ट क्या हो जाएगा? सॉलिड वेस्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सॉलिड वेस्ट देयर आफ्टर। और लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट कम जो भी नॉन सॉलिड वेस्ट है, एक तो सीधा सीधा ये हो गया। इसमें दो टर्म आई है, पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स डिस्चार्जेस। लिक्विड वेस्ट में क्या होता है मेनली? पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स यानी हमें पता है यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ये एक्स फैक्ट्री है, यहाँ पे वाई फैक्ट्री है, यहाँ पे जेड फैक्ट्री है, हर एक का पाइप है जो एक नाले में जाके गिरता है। तो दिस इज पॉइंट सोर्स, तो ये एक क्या है? पॉइंट सोर्स है। लेकिन वहीं पे आप म्यूनसिपलिटी का या किसी शहर में जाओ, जो नाले में पानी बह रहा है आपको पता ही नहीं है कौन से घर से ज़्यादा वेस्ट आ रहा है, कौन से घर से कम आ रहा है, कौन से घर से किस तरीके का वेस्ट, तो उसको बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स यानी जिसका सोर्स कन्फर्म नहीं है, और पॉइंट सोर्स यानी जिसका सोर्स हमें पता है, हमें पता है कि जो वेस्ट है वो एक्स वाई जेड जगह से निकल रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। वॉश वाटर फ्रॉम होम्स, लिक्विड यूज फॉर क्लीनिंग इन इंडस्ट्रीज, वेस्ट डिटर्जेंट। ओके, रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट कहाँ से निकलता है? हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलता है, न्यूक्लियर फ्यूजन से जो रिसर्चेज होती हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से जितने भी एप्लीकेशंस रन होती हैं। ओके, मेडिसिन में न्यूक्लियर से रिसर्च होती है, उसको बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव वेस्ट। ओके, दिस इज द साइन ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। उसके बाद म्यूनसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट हमने पढ़ा, उसी में अब आ गया म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटीज यानी जो हमारे लगभग घरों से निकलता है अमूमन तौर पे। ओके, बीट प्लास्टिक की बोटल्स, मेटल्स, ओके, खाली केन्स, ये डंपिंग साइट है, आपने शहरों में देखा होगा। ओके, दीज आर फ्यूज्ड और डिस्कार्डेड ग्लास ट्यूब्स। ओके, आगे देखते हैं, हाउस होल्ड, घरों से निकला, स्कूल ऑफिस से निकला, मार्केट प्लेसेस से, रेस्टोरेंट से या अदर पब्लिक प्लेसेस से, ये रोज़मर्रा के आइटम्स होते हैं। फूड डेब्रिस यानी जो बचा हुआ खाना पीना हो गया, प्लास्टिक बैग्स हो गए, सोडा के कैन हो गए, प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स हो गई, ब्रोकन फर्नीचर हो गया। ओके, ग्लास क्लिपिंग्स हो गई, ग्रास क्लिपिंग सॉरी, प्रोडक्ट पैकेजिंग, ब्रोकन होम अप्लाइंसिस, ये सब किस में आता है? हमारा म्यूनसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, हॉस्पिटल और बायोमेडिकल वेस्ट। हॉस्पिटल जैसे नाम से ही पता लगता है, जो हॉस्पिटल से निकलता है और बायोमेडिकल वेस्ट होता है। इसमें दिक्कत क्या होती है? ये स्पेशल तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाता है, क्योंकि कई सारे, जब आप ब्लड का सैंपल ले रहे हो तो हो सकता है उसमें कोई कंटेजिशियस डिजीज हो, ओके, जो फैल सकती हो। फॉर एग्जांपल अभी तो जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसके लिए भी बायोमेडिकल वेस्ट पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ में था, आपने शायद पढ़ा हो न्यूज़पेपर में। ओके, तो ऐसे जैसे फ्लू आते हैं अमूमन, स्वाइन फ्लू हो गया, ऑल दीज आर कंटेजियस डिजीज, ये फैल जाती हैं एक आदमी से दूसरे आदमी तक। तो ये इनको आप खुले में डिस्पोज नहीं कर सकते, आपको किसी स्पेशल जगह पे डिस्पोज, स्पेशल तरीके से डिस्पोज करना पड़ता है। ओके, या तो आप उसको पूरे को जला देते हो अंडर सर्टेन कंडीशन, ताकि वो हवा को भी पोल्यूट ना करे। ये डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, इम्यूनाइजेशन में, जब जो इंजेक्शन लगाते हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। ओके,
इसमें सॉलिड वेस्ट भी होता है, डिस्पोजेबल्स होते हैं एनाटॉमिकल, यानी शरीर का कोई हिस्सा, कई बार मांस का टुकड़ा हो गया या और कुछ चीज़ हो गई, डिस्कार्डेड मेडिसिन हो जाती हैं, केमिकल्स वेस्ट होते हैं, जैसे जो डॉक्टर के पास काटने के लिए या ऑपरेशन थिएटर में जितने भी टूल्स होते हैं उनको जनरली अल्कोहल से साफ करते हैं, तो वो अल्कोहल भी आके अल्टीमेटली वो वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है वो। तो इस तरीके से हॉस्पिटल और बायोमेडिकल तरीके का भी एक वेस्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नाम से ही पता लग रहा है, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टीवी स्क्रीन्स, एक्स वाई जेड, इनको कई बार ई वेस्ट भी बोलते हैं। ओके, ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई स्क्रैप या वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, WEEE, ये फुल फॉर्म शायद आपके पेपर में आ सकती है। कंटेन लेड, मरकरी, कैडमियम, ब्रोमाइटिड, फ्लेम रिटार्डेंट्स, ये बहुत ही टॉक्सिक मेटल्स हैं, जितने भी टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं। ओके, बीट मरकरी, बीट कैडमियम, बीट लेड और ब्रोमीन, तो इस तरीके के केमिकल्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में पाए जाते हैं, जो हमारे लिए हेल्दी नहीं होता है। उसके बाद आ जाते हैं हजार्डस वेस्ट पे। हजार्डस और हार्मफुल आर दोज वेस्ट पोटेंशियल थ्रेटन टू पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट, हर एक वो वेस्ट जो पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंट को थ्रेटन करे वो हजार्डस वेस्ट है। ओके, फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री इतना ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल किसी नदी में डाल रही है कि उस नदी की जो फिशीज की बायोडाइवर्सिटी है, मछलियों की जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो रही है, सो दैट इज सेड टू बी हजार्डस वेस्ट, उसको हम क्या कहेंगे, हजार्डस वेस्ट कहेंगे। सोर्सेज ऑफ हजार्डस वेस्ट इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, टेनरी होगी, पेट्रोकेमिकल्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, पेंट्स एंड डाई हो गई, पेट्रोलियम हो गया, फर्टिलाइजर हो गए, एस्बेस्टोस हो गए, एस्बेस्टोस एक और होती है, ओके, कोस्टिक सोडा हो गया, ये सब क्या है, दीज ऑल आर हजार्डस वेस्ट। इसके बाद देखते हैं हजार्डस वेस्ट कंटेन हैवी मटीरियल, हैवी मेटल्स, इनके अंदर क्या होता है, हैवी मेटल्स होता है, साइनाइड्स, पेस्टिसाइड्स, कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक कंपाउंड, ओके, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें से गंध आती है, तो ये हमारे शरीर के लिए एज वेल एज फॉर एनवायरमेंट ये हानिकारक होते हैं। इनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज पे इनको डिस्क्राइब किया जाता है, इग्नाइटेबल यानी जिसमें आसानी से आग लग जाए, ओके, रिएक्टिव जो यानी हमने डंप किया पानी में वो पानी के साथ रिएक्ट हो गए, उसने कोई दूसरा और भी हजार्डस केमिकल बना लिया, ओके, टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं वेस्ट आइटम जो पॉइजन का काम करते हैं फॉर द ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बींग, मैं जो पेस्टिसाइड्स हो गए, घर से क्लीनिंग एजेंट्स जितने भी होते हैं वो सब टॉक्सिक होते हैं, कोरोसिव हो गए, कुछ इस तरीके की भी केमिकल्स होते हैं जो दूसरे केमिकल्स के या दूसरे सब्सटांसिस के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उस पर्टिकुलर सब्सटांस को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, यानी उसको गलाना सड़ाना शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन, ओके, आयरन की रस्टिंग शुरू होती है जब आप एयर और वाटर दोनों की प्रेजेंस में वो रिएक्ट करता है, तो इस तरीके से कई सारे और भी केमिकल्स होते हैं जिनसे कोरोजन बढ़ता है, तो इस तरीके से हजार्डस वेस्ट को डिस्क्राइब किया गया है। ओके, एक वेस्ट होता है जो मे बी वो वेस्ट तो है लेकिन वो मे बी हजार्डस ना हो, फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी पॉलीथीन है, जब तक वो पॉलीथीन पड़ी है दैट इज अ वेस्ट बट दैट इज नॉट हजार्डस, लेकिन जैसे ही उस पॉलीथीन को आपने मास स्केल पे बर्न किया और उससे निकली जो टॉक्सिक गैसेज लोगों ने इनहेल की, उनको अस्थमा और दमा जैसी दिक्कतें होने लगी, नाउ दैट पॉलीथीन हैज़ बिकम एन हजार्डस वेस्ट। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वेस्ट एंड अ हजार्डस वेस्ट, इट इज वेरी बेसिक सा डिफरेंस। ओके, ऑर्गेनिक वेस्ट हमारे जो घरों से निकलता है, रसोई का कचरा मेनली, दैट इज सेड टू बी ऑर्गेनिक, ये बायोडिग्रेडेबल होता है यानी ये अपने आप बायोडिग्रेड हो जाता है एनवायरमेंट की प्रेजेंस में। ओके, कई लोग इसको टर्न करके कंपोस्ट बनाते हैं और अपने किचन गार्डन में, होम गार्डन में यूज़ भी करते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट, एग्रीकल्चर वो वेस्ट होता है जैसे हमने शुरू में भी डिस्क्राइब किया था, ये सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, जो भी केमिकल्स आप खेत में यूज़ करते हो एग्रीकल्चर पर्पजेज के लिए यूज़ करते हैं, बीट, सीड बैग्स, बीट पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, जो उनके कंटेनर्स होते हैं जो पॉलीबैग्स में वो आते हैं, दैट इज सेड टू बी एग्रीकल्चर वेस्ट।
कंस्ट्रक्शन या डेमोलिशन वेस्ट, कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट हम सबको पता है ये हजार्डस मेनली क्यों होता है, क्योंकि इसमें से निकलता है पार्टिकुलर मैटर, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10, जो कि हमारे लंग्स पे लेयर बना देता है और हमारे को रेस्पिरेटरी डिजीज कई सारी कर देता है। अब आता है ये एक तरीके का क्वेश्चन आता है कि एक एनसीसी कैडेट अपने तरीके से किस तरीके से वेस्ट को डिग्रेड कर सकता है या वेस्ट डिस्पोजल में हेल्प कर सकता है। तो आप घर पे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग कर सकते हो। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आप कंपोस्ट बना सकते हो उसको गला सड़ा के, और नॉन बायोडिग्रेडेबल को आप म्युनिसिपैलिटी को दे सकते हो। प्लास्टिक बैग्स का कम यूज़ करके क्लॉथ के या जूट के बैग यूज़ कर सकते हैं। ओके, रिसाइकल कर सकते हैं पेपर ग्लास क्लॉथ्स को, हम रिसाइकल कर सकते हैं या क्लॉथ्स को तो हम कई बार डोनेट कर सकते हैं। ओके, कीप द सराउंडिंग, अपने घर के आसपास सफाई रख सकते हैं, घर का कूड़ा कचरा रोड पे नहीं फेंकें, उसको एक जगह पे डंप करें। कॉलोनी में मास स्केल पे हम वर्मी कंपोस्टिंग या नेचुरल कंपोस्टिंग शुरू कर सकते हैं, कि अगर आप किसी अर्बन एरिया में रहते हैं जहाँ पे घर में ही कंपोस्ट बनाना पॉसिबल नहीं है तो आप कम्युनिटी का बना सकते हैं विद द कम्युनिटी हेल्प और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जो एक मेन चीज़ है कि जो आपके लिए वेस्ट है वो दूसरे के लिए वेल्थ है, यानी पैसा है, कमाई का एक जरिया है। ओके, सो रिसाइकिल द वेस्ट, और इंडिया में ट्रेडिशन है चीज़ों को बार बार यूज़ करने का। ओके, सो रीयूज द स्टफ्स विच यू कैन। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्लास्टिक की बोतल है, यू कैन प्लांट अ सैपलिंग इन दैट, कोई भी प्लास्टिक का बैग है, यू कैन प्लांट अ सैपलिंग इन दैट। तो इस तरीके से आप चीज़ों को रीयूज भी कर सकते हैं। तो आप कभी भी किसी भी चीज़ को डिस्कार्ड करने से पहले थिंक अबाउट इट्स रीयूज। आगे बढ़ते हैं कि एक्शन बाय सिविक बॉडीज, यानी प्रशासन हमारे वेस्ट को मैनेज करने के लिए क्या कर सकता है। प्रोहिबिटिंग द लिटरिंग ऑफ स्ट्रीट्स, रोड पे या गलियों में कूड़ा कचरा फेंकना बैन करवा सकते हैं, वो फाइन रख सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसा करता पकड़ा गया तो ही हैज़ टू और सी हैज़ टू पे एक्स वाई जेड अमाउंट ऑफ मनी। ऑर्गेनाइजिंग हाउस टू हाउस वेस्ट कलेक्शन, बिल्कुल म्युनिसिपैलिटी हाउस टू हाउस वेस्ट कलेक्शन के लिए कार्ड या और वो सब प्रोवाइड कर सकती हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हो आप। ओके, स्टोरेज फैसिलिटी, अच्छी सी शहर से दूर कोई डंपिंग साइट आप देख के उसको यूज़ कर सकते हो। यूज़ ऑफ कलर कोड डस्टबिन, कलर कोड डस्टबिन यूज़ कर सकते हो आप पब्लिक प्लेसेस पे, ताकि बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग से अपने आप ही सेग्रीगेट हो जाए, सेग्रीगेट करना ना पड़े। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट इन कवर्ड व्हीकल्स, कई बार हम देखते हैं कि म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी जा रही है लेकिन उसमें से कुछ वेस्ट चलती गाड़ी में से गिर रहा है। ओके, तो कवर्ड व्हीकल्स में वेस्ट ट्रांसफर, कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट हो। प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट बाय अडॉप्टिंग सूटेबल कम्बिनेशन ऑफ कंपोस्टिंग, एनारोबिक डाइजेशन किया जाए। ओके, पैलेटाइजेशन किया जाए। पैलेटाइजेशन क्या होता है, वेस्ट की छोटी छोटी पैलेट्स बना दी जाती है, गोलियां बना दी जाती है ताकि उसको कम जगह में स्टोर किया जा सके। ओके, अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डंपिंग साइट एंड डिस्पोजल ऑफ इनर्ट वेस्ट सैनिटरी लैंडफिल्स, जो लैंडफिल्स हैं, जो पहले से लैंडफिल्स वो जगह होती है जहाँ पे पूरी सिटी का वेस्ट एक जगह आके डंप किया जाता है, उनको अपडेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो कि वो वेस्ट सीपेज हो के उसमें से वो वेस्ट का जो लिक्विड कंपाउंड्स हैं वो जाके ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाए, तो आप अच्छे से उनको अपग्रेड कर सकते हैं नए टेक्निकल मैनर में। ओके, तो ये कुछ था अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट, इस पर क्वेश्चन पक्का आता है समहाउ कहीं ना कहीं से। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ये नीचे वाले दो पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ओके, टाइप्स आपको लगभग 2-4-5 तरीके के वेस्ट आपको याद रहते ही हैं, सो उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस एक बार आप अगर वीडियो को सुन भी लेंगे बिफोर योर एग्जाम, आई एम मेकिंग यू श्योर आप एग्जाम में बेटर कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, जय हिंद।